स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज पर। आज हम साबुत मसूर की दाल बनाएंगे, जो कि खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर हमने एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दाल लिया है और ये चार पांच लोगों का अगर परिवार है तो ये सफिशियंट है। और इसमें पानी डाल देंगे तीन से चार कटोरी। और हल्का सा नमक और हल्दी डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमें बाद में नमक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नमक बाद में थोड़ा सा और डालेंगे। और कुकर को बंद कर देंगे कम से कम 6-7 सीटी तक। और तड़के के लिए प्याज है, अदरक, जीरा, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च और टमाटर। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और पहले जीरा डालेंगे, फिर प्याज, अदरक, मिर्ची, सब अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मसाले बाद में डालेंगे। आयुर्वेद में तो इसको औषधि के रूप में भी यूज़ किया गया है। हफ्ते में कम से कम एक दो बार, दो तीन बार तो खा ही सकते हैं। और दाल पक जाए, क्योंकि साबुत होने के कारण थोड़ा सा गली नहीं रहती है, तो इसको मैश कर लेंगे। और तड़का तैयार हो जाए जब, तो उसमें टमाटर डाल देंगे और फिर ये नमक दिख नहीं रहा है तो ये थोड़ा सा नमक भी डालेंगे जिससे कि टमाटर गल जाए। और सारे मसाले डाल देंगे और अच्छे से ढक देंगे। जब थोड़ा सा गल जाए तो लहसुन को दरदरा करके लहसुन भी डाल देंगे। और फिर ढककर अच्छे से इसको गलने देंगे। जब अच्छे से गल जाएगा तो वो जो दाल हमने मैश करके रखी है उसमें हम और पानी मिलाएंगे। जितनी आपको पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिला लीजिए और अच्छे से घोल के उसको कढ़ाई में ही डाल दीजिए। ये आप पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको गाढ़ी चाहिए। किसी किसी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद होती तो पानी और डाल लीजिए और नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लीजिए। अच्छे से ढक लीजिए। देखिए पाँच मिनट में हो जाता है, पक जाता है और दाल पक के तैयार हो जाएगी। और ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दीजिए। तो अब तैयार है दाल, खाने आराम से आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।